ऑलराइट गाइस, iOS 16.5 बैटरी टेस्ट प्लस बैटरी ड्रेनिंग ऑलमोस्ट हमें 1 डे हो चुका है 16.5 को अपडेट किए हुए अपने आईफोन्स में। क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है, क्या यहाँ पे हमें बैटरी ड्रेनिंग का इशू देखने को मिलता है 16.5 में या फिर नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है बैटरी के मामले में, फुल गाइडेंस देने वाला हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और यूजफुल वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एंड इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ में। चलो हम यहाँ पे जान लेते हैं इसमें मुझे बैटरी परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स रिसीव हुए कि जो अपडेट है हमारे आईफोन्स पे क्यों शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये, मे बी आप अगर यहाँ पे बीटा वर्जन को यूज़ करते हैं अपने आईफोन्स में, तो आप चेक करें जाके अपने आईफोन्स के जेनस्पेस सॉफ्टवेयर अपडेट में, क्या आपको यहाँ पे 16.5 RC शो कर रहा है। यदि आपका यहाँ पे बीटा वर्जन इंस्टॉल हो गया होगा ऑटोमेटिकली, मे बी तभी आपको ये अपडेट शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एक बार अपने आईफोन को रीस्टार्ट करके कनेक्टिविटी चेक कर लो, ये डेफिनेटली शो हो जाएगा। बट ये उन्हीं लोगों को शो नहीं हो रहा है जो लोग यहाँ पे बीटा वर्जन को यूज़ कर रहे हैं एंड वो जो यहाँ पे बीटा वर्जन जो आर सी आया था उसी को डाउनलोड कर लिए, दैट्स व्हाई तुम्हें स्टेबल वर्जन शो नहीं कर रहा। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे वरी होने वाली बात नहीं है, जस्ट यहाँ पे नॉर्मली अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना एंड देन आपको यहाँ पे जनरल पे जाके चेक करना हो जाएगा, आपका शो कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस मुझे क्या कुछ नज़र आती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड ओवरऑल तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम यहाँ पे समझ जाओ। देखो यहाँ पे बैटरी की बात करें, यहाँ पे मैंने चार्ज किया था एंड यूज़ किया 1 घंटे 9 मिनट कुछ। बट यहाँ पे तुम्हें बताऊँ, ये जो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों अपने 16.4 की बात करें या फिर 16.5 की, इसमें जो है ये आपको इतना ज़्यादा बैटरी के लेवल पे कुछ आपको चेंजेस नहीं मिलता है। लाइक ना ही आपकी बैटरी ड्रेन होती ऑटोमेटिकली एंड ना ही आपको कुछ खास परफॉर्मेंस मिलती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस आते हैं अपने इस अपडेट के अंदर तो ये हमें चेंजेस मिलते हैं, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो फ्लैक्चुएट होना शुरू होती है, यहाँ पे ड्रेन होती है या फिर हीट होती है। बट यहाँ पे मेजर चेंजेस क्या आए हैं, कुछ भी नहीं। जस्ट यहाँ पे हमें एक वॉलपेपर देखने को मिली है, कुछ कनेक्टिविटी बेटर की गई है एंड कुछ सेटिंग ऐड की गई हैं। बट यहीं अगर बात करें, कुछ ऐसे जो अपडेट लाए जाते हैं जिसमें हमें कुछ बड़े लेवल के चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ही ऑप्टिमाइजेशन दी जाती है अपने आईफोन्स में, तो उसमें जाके आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो ये एक तरीके का ये जो अपडेट है ये काफ़ी सेफ होता है एंड इसमें बैटरी ड्रेनिंग का सवाल ही नहीं होता है। जस्ट हमें लगता है यार कि हमारी जो बैटरी है हीट हो रही है या फिर ड्रेन हो रही है, बट एक्चुअल मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अपडेट आ रहे हैं 16.4 की बात करें 16.5, इसमें इतना कुछ जो है बैटरी लेवल पे कुछ आपको खास ड्रेन प्रॉब्लम नहीं मिलता है। ये गर्मियों के दिन आ चुके हैं दोस्तों, मे भी आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाए इतनी फास्ट, बट एक बड़े लेवल पे आपकी आईफोन की बैटरी इतनी ज़्यादा इनसे इफेक्ट नहीं होती इन अपडेट से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बैटरी की बात करें परफॉर्मेंस गुड है। गुड कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 16.4 जो अपडेट आया था उसमें भी मुझे सेम टू सेम ही बैटरी परसेंटेज प्लस बैटरी यूसेज थी, तो इसमें भी मुझे सेम ही लग रही है एंड एक्स्ट्रा कुछ भी आपकी ड्रेन नहीं होगी। मैं हमेशा वीडियो बना के बताता हूँ कि बैटरी ड्रेन तभी होगी अगर आपने कुछ यहाँ पे सेटिंग जो है फालतू की इनेबल कर दी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी के अभी आप इसको डन करें, एक्सेसिबिलिटी में जाके मोशन में जाके यहाँ पे मिल जाती है डिम फ्लैशिंग लाइट, अगर तुम इसको टर्न ऑन कर देते हो ये काम क्या करती है, ये आपके आईफोन्स में जैसी कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो आती है अचानक से उसकी लाइट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से इस तरीके से नहीं करते जाके यहाँ पे, बट वो जो है ऑटोमेटिकली उसकी जो है ब्राइटनेस बढ़ जाती है वीडियो की। तो ये क्या करता है, उसको कस्टमाइज़ कर देता है, उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता है, ये उसको ऑटोमेटिकली यानी कि दोस्तों हाई या फिर लो होने नहीं देता है, इसको कंट्रोल कर लेता है। स्ट्रॉबिंग लाइट्स विल बी ऑटोमेटिकली डिम, ठीक है, तो इसको आप इनेबल कर दें। सेकेंड चीज़ आपको क्या देखनी है, इस तरीके से जाएं यहाँ पे जनरल्स पे क्लिक कर दें, जनरल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। आप इसको टर्न ऑन रखें बट जो इंपॉर्टेंट ऐप हैं उन्हीं की आप यहाँ पे अलाउ करें। फॉर एग्जांपल आप सभी चेक कर सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे यूजलेस ऐप हैं जिनको हमने बैकग्राउंड में फालतू में रन करने के लिए छोड़ दिया है, जो आप इसको टर्न ऑफ करें, ठीक है। करंट है प्राइवेसी में जाएँ इस तरीके से, चेक कर लें कि आपकी लोकेशन टर्न ऑन है या फिर ऑफ। अगर ऑन है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती है आपकी। जब तक आप इसको इनेबल करके रखेंगे लोकेशन जो है आपकी डिटेक्ट होती रहती है, प्लस यहाँ पे इसलिए इसके जो नेटवर्क भी यूज़ होते हैं, देन तुम्हारी बैटरी ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक यहाँ पे ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर करो कि इसको टर्न ऑफ कर दो, डैट्स ऑल गाइस। आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, इन्जॉय करो, ये काफ़ी अपडेट बढ़िया है बैटरी के मामले में। बैटरी ड्रेन ओवर ड्रेन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, अच्छा है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज है आपकी बैटरी, कुछ यहाँ पर आपको फालतू का ड्रेन शो नहीं होगा, नहीं दिखेगा। तो आशा करता हूँ मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।